इंदौर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद भी पुलिस का कोई डर नहीं बचा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाली गलौज विवाद से परेशान एक एसीपी खुद पुलिस के पास मदद मांगने के लिए थाने पहुंचा। पुलिस को ही पुलिस के पास पहुंचना पड़ा। पुलिस के साथ विवाद और मारपीट की तस्वीर सामने आई। दरअसल एसीपी की गाड़ी से एक रिक्शा वाले की बाइक टकरा गई। गाड़ी टकराने के बाद एसीपी से चालक बहस करने लगा, विवाद करने लगा। एसीपी की गाड़ी के कांच फोड़ने के लिए उसने पत्थर तक उठा लिया। एसीपी सुभाष सिंह पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। रेडियो विभाग में हालांकि वो पदस्थ हैं और उन्होंने अब इस मामले की शिकायत की है। एसीपी को धमकी मिली है। विवाद करने वाले आरोपी पर केस दर्ज हो चुका है। एरोड्रम थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी की यह घटना है और विवाद की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई है। शख्स ने एसीपी की गाड़ी के कांच फोड़ने के लिए पत्थर भी उठा लिया। इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अंशुल, ये बताता है कि इंदौर में पुलिस का खौफ तो बदमाशों में नहीं है, अगर पुलिस को ही पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचना पड़े तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या है अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं पुलिस की लाचारी पर अब लगातार सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एसीपी को परेशान होकर के खुद थाने जाकर के एफआईआर दर्ज कराना पड़ रही है, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस का खौफ जो है वह खत्म होते जा रहा है। पूरी घटना जो है वो एरोड्रम थाना क्षेत्र की है, जब एसीपी सुभाष जो हैं, जो कि इंदौर के रेडियो में पदस्थ हैं एसीपी के पद पर, वे अपने घर जा रहे थे तो रस्ते में दो लोडिंग रिक्शा जो है वो रोड पर खड़े हुए थे और लोडिंग रिक्शा के चालक जो मालिक था उसने अपनी बाइक भी वहीं पर खड़ी कर रखी थी, जो कि एसीपी के गाड़ी से टकरा गई। इसके बाद जो वाहन चालक है, जो बाइक सवार जो युवक है, वो आता है धर्मेंद्र यादव और एसीपी से हुज्जत करने लगता है, और जब एसीपी उसे मना करते हैं, एसीपी उसे समझाते हैं तो एसीपी से विवाद भी करने लगता है। हालांकि ये पूरी घटना जो है वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। एसीपी इतने लाचार इस पूरे मामले में दिखाई दिए कि युवक ने उन्हें मारने के लिए, गाड़ी का कांच फोड़ने के लिए पत्थर तक उठा लिया, और यह सब घटनाक्रम तब हुआ जब एसीपी अपनी शासकीय वाहन में सवार होकर के घर पहुंचे थे। इसके बाद मजबूरन एसीपी को एरोड्रम थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करानी पड़ी और सबूत के तौर पर वीडियो जो है, सीसीटीवी फुटेज जो है, वो भी पेश करने पड़े। यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नरी में लाचार व्यवस्था इतनी हो गई है कि खुद एसीपी को थाने जाकर के इस मामले में शिकायत दर्ज करानी पड़ रही है। हालांकि पूरे मामले में जो युवक है उसके ऊपर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, युवक की गिरफ्तारी जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल जो है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम पर अब यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का साफ कहना है कि आपसी पड़ोसियों का यह पूरा विवाद था और इस पूरे मामले में केस दर्ज कर युवक को हिरासत में जो है अब ले लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अंशुल इस खबर पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ खबर पर जानकारी साझा करने के लिए।